अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त ज़फ़रुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़। चलिए डालते हैं नाज़रीन आज की अहम खबर पर एक नज़र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे मोहल्ले भगवान नगर में जो है ना एक मकान पर छान गिर गया, उनके दिशा में तला मिली। जो है ना मैं ख्वाजा उसामुद्दीन एआईएमएन पार्टी का जो है ना लीडर हूँ। मैं जो है ना मेरे को जिस तरह से तला मिली, मैं जो है ना मौके वारदात पर आया हूँ। आने के बाद जो हालात है देख कर डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र नगर को इसका जो है ना असली बयान जाऊँ, यहाँ के फोटोज वगैरह तमाम जगह भेजाऊँ और राजेंद्र नगर अतापुर सीआई साहब को भी जो है ना इसकी तफसील दियाऊँ। अतापुर सीआई साहब ने अपने दो जवानों को भेजा और उसका पंच मायना करवाया और कल दिन में जो है ना जहाँ तक हो सके मुमकिना मदद करने की तय खून दिया। और मैं भी बाकी थे जो है ना कुल हिंद मजिस्ट्रेट के आजम मुस्लिम के वर्कर के आप ये छोड़ने देता हूँ कि जब तक ये लोगों को इंसाफ नहीं मिले मैं इन लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। और कल इंशाल्लाह ताला एनडीआरएफ की टीमें और जो भी यहाँ के महकमे के जिम्मेदार हैं उनके साथ एक बार ये दौरा कराऊँगा और इंशाल्लाह ताला हमारे हल्के असम्बली के इंचार्ज को एमएलसी मिर्जा रहमत बेग साहब ने तवक्कुल दिया है कि कल सुबह इंशाल्लाह ताला वो भी आएंगे और जहाँ तक हो सके मुमकिन मदद कराएंगे इन मुतासिर हजरात की। जो है ना जहाँ तक हो सके इंशाल्लाह ताला कल ऑफिसरों के साथ उनकी ना मदद की जाएगी। अभी एरिया कहाँ पे आता है? ये एरिया भोपाल नगर जो है ना कायम नगर और जलाल बाबा नगर के बीच का हिस्सा है। ये काफ़ी सलम बस्ती है, काफ़ी गरीब लोग रहते हैं। ये गरीब मोहल्ले में ये लोग सलम तरीके में किस तरीके से रहें, इनके ऊपर नज़रसानी करें करके इनकी मुमकिन मदद करें। और इंशाल्लाह ताला मैं ये तवक्को करता हूँ कि कल हमारे एमएलसी साहब के जरिए निगरानी में जो हमसे हो सकती है मुमकिन मदद कराएंगे और जो भी महकमे जिम्मेदार हैं उनको एक बार लाके इसका तफसीली दौरा कराएंगे। अब तक तो जानी नुकसान कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ, हल्के उनके बाहर लगे हुए हैं। अल्लाह जो है ना इनकी तरफ जो है ना मुतवज्जो था, इसीलिए जो है ना किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान का मसला नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला कल सुबह में इसकी तफसीली लेने के बाद क्या हुआ कैसा हुआ इसके कितने नुकसान आते इसकी जायजा लेके इसकी रिपोर्ट एमएलसी साहब के जरिए दर्शकों को पहुँचाई जाएगी।